जब भी आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पर क्या लिख के देते हैं उसे पढ़ने में आपको 90% टाइम जरूर तकलीफ होती होगी। प्रिस्क्रिप्शन को देख करके आपके मन में भी यह सवाल आया है कि आखिरकार सभी डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों, आखिर डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गई बातें पढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। हम आपको इस बारे में 5 ऐसे रीजन बताने वाले हैं कि आखिरकार डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, डॉक्टर सिर्फ आपका ही प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं? डॉक्टर के पास हर दिन ना जाने कितने मरीज आते हैं और उन सबका अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो इस हिसाब से उनका लिखने का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी बहुत कम बातें लिखते हैं। हर दिन डॉक्टर के पास ना जाने कितने पेशेंट आते होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह हर एक पेशेंट को पूरा समय दे पाए और आराम से उनसे बातें करते करते उनका प्रिस्क्रिप्शन लिख पाए। हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग हड़बड़ी में रहते हैं, और क्योंकि एक डॉक्टर को निश्चित टाइम पे बहुत सारे पेशेंट को अटेंड करना पड़ता है, लिहाजा कम समय और हड़बड़ी की वजह से भी डॉक्टरों की हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। ज़रा सोचिए, डॉक्टर को हर दिन 30 से 40 या 50, कभी कभी 50 से भी ऊपर मरीज देखने पड़ते हैं। उनका दिन कितना स्ट्रेसफुल होता होगा, हर मरीज की बीमारी के बारे में सुनना, उनके बारे में प्रिस्क्रिप्शन लिखना और बीमारी के मुताबिक उनको सही दवाई प्रिस्क्राइब करना, ये काफ़ी आसान काम नहीं लगता। रेगुलर केसेस के साथ साथ एमरजेंसी केसेस भी डॉक्टरों के पास आ जाते हैं, इस वजह से भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। आपने ये गौर किया हो कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छी होती है और उसके एंड तक आते आते आपकी हैंडराइटिंग एकदम खराब हो जाती है। ऐसा इसलिए, आपको एग्ज़ाम के टाइम की तो हड़बड़ी होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो हैंड्स की मसल्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब होने का। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, और आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। स्टे सेफ। स्टे हेल्दी।